महुआ में नियोजित शिक्षकों के हड़ताल के 33वां दिन 48 शिक्षकों ने जहांगीरपुर सलखनी पंचायत में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बताया तथा उसके सावधानी के बारे में चर्चा की। वहीं 48 शिक्षकों ने आगामी 22 मार्च को आयोजित जनता कर्फ्यू के बारे में भी बताया तथा 22 मार्च को 7 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक अपने घर में रहने का आह्वान किया। 22 तारीख के सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक घर से बाहर कहीं दूर ना जाए, भीड़ भाड़ वाला जगह पर ना जाए, ना बाजार जाए के, हाट जाए के, ना महुआ जाए के, ना स्कूल पर आवे के, कोशिश करिए कहाँ रह के, घर में रह के अपना घर के लोग के साथ। अब बहुत जरूरी पड़ा कोई आदमी के हो सके कि दवाई लावे जाए के, तो कोशिश करे के चाहिए कि बाहर हमरा ना जाए के, ये वो चीज का याद रखे। महुआ में कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब होटलों में सैनिटाइजर और हैंड वॉश रखा जा रहा है। होटल में आने वाले ग्राहक इस सैनिटाइजर और हैंड वॉश का प्रयोग कर रहे हैं। इस संबंध में होटल मालिक ने बताया कि आज कोरोना को लेकर हम लोग बहुत सतर्क हैं तथा अपने होटलों में सैनिटाइजर और हैंड वॉश रख रहे हैं ताकि होटल में आने वाले ग्राहक अपने हाथ की सफाई कर सके तथा संक्रमण से बच सके। वहीं होटल संचालकों ने लोगों से भी अपील की है कि खाने से पहले या कहीं से आने के बाद हाथ और मुंह अच्छी तरह साफ जरूर करें। अभी अपने देश में कोरोना वायरस का जो माहौल बना हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महामारी घोषित कर दी है, तो अपना प्रिकॉशन लेना जरूरी है क्योंकि हम लोग कैश लेते हैं, नोटों में कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए हर आधे घंटे पर हम लोग सैनिटाइजर करेंगे। और हम लोगों को भी यूज़ करना चाहिए और जो घर पे रहते हैं वो 20 सेकेंड तक हाथ धोना चाहिए हर एक घंटे तो 2 घंटे पर, इससे लोगों की सुरक्षा होगी। महुआ पुलिस ने गोविंदपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महुआ पुलिस ने गोविंदपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष विजय कुमार उर्फ मिंटू राय को गोविंदपुर में बीते साल पीट पीट कर हुई हत्या मामले में गिरफ्तार कर दिया है तथा उन्हें जेल भेज दिया गया है। गौरतलब हो कि अक्टूबर 2019 में राजकिशोर राय एवं उसके पुत्र की जमकर पिटाई की गई थी, जिसमें राजकिशोर राय की पटना पीएमसीएच में मौत हो गई थी। महुआ के मुखिया संघ के अध्यक्ष ने जनता कर्फ्यू का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की चिंता है, आज कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, इसे रोकने के लिए हम सभी लोगों को साथ आना और जनता कर्फ्यू का समर्थन करें, अपने और अपने परिवार को बचाएं और स्वस्थ रखें। माननीय प्रधानमंत्री का जो देश के नाम संदेश है स्वागत योग्य है, और जहां तक हमारी जानकारी है कि कोरोना का वायरस जो है सार्वजनिक स्थान पर 12 घंटे तक ही जीवित रह सकती है, और ये जनता का जो ये बंदी का है जो हम लोग को नहीं निकलना है कर्फ्यू, वो हम लोग का 14 घंटा है, तो इससे काफ़ी हम लोगों को उससे लड़ने में मदद मिलेगी और वो वायरस हारेगा। और आने वाले दिन में ये अगर और भी आगे बढ़ती है तो कम से कम हमको ये तो पता चल जाएगा कि हमारा देश उसके लिए तैयार है। हाजीपुर के सुभाष चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब साइड लेने के विवाद में एक ई रिक्शा चालक और ऑटो चालक के बीच में जमकर मारपीट हुई। बाद में स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद
मामला शांत किया गया। Hey, 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 hey